الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله शम रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मदीने मुनव्वरा की पुरनूर फ़जाओं में, मुअत्तर हवाओं में, गुंबद खजरा के साए में आज एक अजीम सआदत हम सब हासिल कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि दुनिया में बेशुमार लोग आते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं जो जब कदम रखती हैं तो निशान कदम हमारे लिए मिशर राह बन जाते हैं, मंजिल के निशान बन जाते हैं, डायरेक्शंस बन जाते हैं। और उन्हीं हस्तियों में से एक अजीम हस्ती आज हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, हुजूर मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मान ख़ान साहब आज़मी, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हैं, हम सब के लिए एक अजीम कायद हैं, अहले सुन्नत के लिए एक अजीम सरमाया हैं। और आज हमारी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि हम आपकी हयात मुबारक से, आपकी जो ज़िंदगी गुजरी है दावत दीन के रास्ते में, उसके ताल्लुक से मदीना मुनव्वरा में बैठकर गुंबद खजरा के साए में हज़रत से इस्तेफादे की सआदत हासिल कर रहे हैं, ताकि हम हज़रत के तजर्बात की रोशनी में अपनी मंजिलों का तायुन कर सकें, अपने रास्तों का तायुन कर सकें, कुछ इंस्पिरेशन ले सकें, कुछ हमारे लिए मिशल राह बनने वाली बातें सुन सकें। और इसीलिए मैं आज हज़रत से गुजारिश करूँगा कि हम आपसे इस्तेफादे की भरपूर कोशिश करेंगे बफैज़ रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम्बद खज़रा के सामने बैठकर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो मदीना मुनव्वरा की हाजिरी, और हमारी खुशनसीबी हजरत कि हम आपके साथ यहाँ पर हाजिर हैं और आपकी हिदायत के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआ करें कि आका दो जहां हुज़ूर रहमत आलम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हुजूर, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपकी विलादत कहाँ, किस गांव में हुई और आपकी तरबियत का क्या वहां पर निशान है? मेरी पैदाइश आजमगढ़ का एक गांव है खालिसपुर, वहां हुई। और वो एक गांव था और गांव का जो माहौल होता है वही माहौल मुझे मैसर आया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पैदाइश कागजात के मुताबिक 23346 में हुई, 1946 यानी प्री इंडिपेंडेंस पैदाइश है। जी हाँ जी, इंशाल्लाह। और मैं एक काश्तकार खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, फार्मर। जी जी। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि जिसकी जिसको बताना जरूरी हो। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मेरे तबके के लोग में अक्सरियत उलमा की उसी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है जो मेरा अपना है। जी, यकीनन ये बात मेरे लिए बाइस फख्र है कि मेरे वालिद मोहतरम, मेरे दादा इंतहाई नेक लोग थे। माशाल्लाह। मेरी सरपस्ती किसी शेख ने नहीं की, मेरे वालदैन ही मेरे लिए सब कुछ थे। मेरे वालिद नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार थे। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। मेरी 6 साल की उम्र हुई तो मुझे अपने साथ गांव की मस्जिद में, जो पूरब संत में है, ले जाया करते थे। 6 साल की उम्र से। 6 साल। अच्छा। फजर से पहले
और अक्सर इशराक के बाद आया करते थे, फजर से पहले ले जाते थे और इशराक के बाद नमाज के बाद तिलावत खुद भी फरमाते थे। मैं जब तक तिलावत के काबिल नहीं था उनकी तिलावत को सुनता था, आवाज बहुत अच्छी थी उनकी। वो मामूल अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जारी है। मैं कोशिश करता हूं कि मस्जिद पहले पहुंचूं और इशराक के बाद वापस आऊं। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। उनकी दुआएं, उनका इखलास मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है और मेरे तमाम कामों में उनकी पुरखलुस दुआओं का बड़ा असर है। अगर वालदैन अजीम हों तो बच्चे भी बेहतर होते हैं। मेरे दादा, मेरे वालिद अब्दुल हमीद नातवा खान, मेरे दादा अब्दुल समद खान, वो फारसी के माहिर थे और उन्होंने गांव से बाहर एक टीले पर एक झोपड़ी डाल रखी थी जिसे हम पछलौड़िया कहते थे। क्या कहते थे? पछलौड़िया। पछलौड़िया, जी हाँ, ये वहां का लोकल लफ्ज है। जी हाँ। अच्छा। और छुट्टियों के औकात में मैं उनके साथ ही रहता था और गाहे गाहे वो पर्शियन के अशार या जरबुल अमसाल बयान फरमाया करते थे, जो आज भी आपके बयानात में, जो आज भी जी कहीं कहीं नजर आते हैं। जी। इस तरह फारसी का शौक दादा मरहूम ने मेरे अंदर पैदा किया। वालिदे मोहतरम, हम गांव में रहते थे और गांव का मिजाज मुताले का, तहकीक का नहीं होता, मगर अब्बा हुजूर को इब्तदाई शौक था कि मैं कुछ पढ़ सकूं। चुनांचे 8 साल की उम्र में वो मुझे बहुत से रिसाले लाके दिया करते थे, जो भी उर्दू में उस वक्त, जो भी उर्दू में अवेलेबल थे, कस्बे से, सोशल मीडिया का तो जमाना था। जी हाँ, कस्बे वाला से फूल एक रसाला निकलता था जी, कंदील पाकिस्तान से आता था जी, और खिलौना एक पर्चा निकलता था बहुत इब्तदाई बच्चों के लिए, वो ला के देते। जब मैं कदरे बाशऊर हुआ तो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ कहानियों किताबें ला के फराहम की जी। मैं आज महसूस करता हूं कि हमारे हर बच्चे जो यहां हैं उनके घर में छोटी सी लाइब्रेरी बच्चों की होती है जी। जी, वहां तो ऐसा कोई इंतजाम था नहीं, लेकिन ये उनका जौक था कि मैं पढ़ता रहूं। वो मुझसे पढ़ने के लिए कहते नहीं थे, किताब ला के रख देते थे जी और मैं खुद अपने शौक से पढ़ने की कोशिश करता था। सुभानअल्लाह। उसके बाद जब जरा और बाशऊर हुआ तो उन्होंने तारीखी नाविलें जी सादिक सरधनवी की और बाद में नसीम हिजाजी की जी, हिस्टोरिकल वो नाविल आके उन्होंने दी, बस दे दी। ये अदबी जौक होना चाहिए जी हाँ, मतलब ये पैगाम ही है। तो उन्होंने वाजाबता तौर पर ये ला के देते थे और मैं उसे पढ़ता था जी। मुझे याद है कि हजार दास्तान अलिफ लैला, अलिफ लैला जी काफी जखीम थी, उन्होंने मुझे ला के दिया तो मैं इस कदर शौक से उसे पढ़ा के कई रोज तक रात भर जा करके पढ़ता रहा मैं। अच्छा हुजूर, ये हमारे जो आजकल के नाजरीन हैं जी जी, उनको थोड़ा सा ये समझा दें कि हजार दास्तान क्या थी। अच्छा, हजार दास्तान दरअसल एक किताब है, उसका अरबी नाम अल्फो लैथी मलैला है जी, 1001 रातें जी। उसमें बगदाद के हवाले से बहुत सी कहानियां इस तौर पर नकल की गई हैं कि एक कहानी खत्म होती है और दूसरी कहानी शुरू हो जाती है, एक दूसरे जुड़ी हुई। वो एक सीरियल है वो हाँ। और उसमें दिलचस्पी इतनी है कि आदमी अगर वाकई पढ़ना चाहे तो जब तक खत्म न कर ले वो पढ़ता रहता, खास तौर पे मेरी उम्र के लोग, बच्चे जो होते हैं जी। उसके साथ साथ मेरा अपना शौक ये था कि जहां कहीं से भी कोई खबर दस्तियाब हो उसे हासिल करूं। जीएनपुर में डॉक्टर नकी खां का मतब था, उसमें अखबारात आते थे उर्दू के,
जीएमपुर भी यूपी में ही कस्बे हमारे गांव से एक मील दूर। जी जी। और मैं छुट्टियों में सुबह 8 बजे पहुंच जाता था और उन अखबार को पढ़ता था। ये 9 साल की उम्र की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वालिद मोहतरम और दादा मरहूम की कोशिशों से मुझे पढ़ना आ गया था उस वक्त। इसी तरीके से हमारे गांव में एक रेडियो था जी। और रेडियो पे 8 बजे शाम में खबरें आती थी उर्दू की, उसको सुनने के लिए पहुंच जाता था मैं जी। और अब तक ये शौक बाकी है। तो ये ऑल इंडिया रेडियो की खबरें होंगी? जी हाँ। अच्छा। और पाकिस्तान रेडियो भी आता था। अच्छा। तो इस तरह से मेरी जहनी तरबियत हुई, पढ़ने का शौक पैदा हुआ, मुताले का शौक पैदा हुआ, और उसके साथ साथ जुबान के सिलसिले में भी मुझे खासा मवाद मैसर आया इन किताबों के जरिए से। मैं जानता हूं कि हमारे दरसगाहों में इन किताबों का कोई शौक नहीं है और न पढ़ने दिया जाता है, लेकिन खारजी मुताला भी बहुत जरूरी है मुकर्रात दरासिया के साथ साथ। वो किताबें जो दरसगाहों में पढ़ाई जाती हैं वो तो बहुत अहम है, लेकिन गिर्दोपेश को समझने के लिए और हालात का जायजा लेने के लिए जरूरी है कि अखबारात हैं, रसाइल हैं, उनको पढ़ने की कोशिश की जाए ताकि हम अपने हालात से बेखबर न रहें। एक साहब इल्म के लिए जरूरी है कि वो अपने अपने दौर के तकाजों से वाकिफ हो और जरूरियात से वाकिफ हो। और यकीनन मेरे वालिद मोहतरम की कोशिशों से मैं शुरू ही से इन बातों से वाकिफ रहा। 1958 में जंग रमदान, मिस्र की नहर सुएज की जंग हुई, जिसमें पूरा यूरोप जो है हमलावर था, और मैं रेडियो पे सुनने के लिए उसके लिए बेकरार रहता था अब क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। अच्छा। उसमें यूरोप सिटी की हमला करना चाहा, लेकिन रूस ने धमकी दी कि अगर तुम आओगे तो हम भी आ रहे हैं, तो यूरोप वापस आ गया और इस तरह नासिर ने वो जंग जीत ली जी। और नहर सुएज बच गई। ये जमाल नासिर जी। हाँ जी। इससे आप अंदाजा करें कि उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन आलमी खबरों के सिलसिले में मेरा शौक बहुत वाज़े था। ये फिक्री पुख्तगी उसी वक्त से आई, उससे शुरू हुई थी। और मैं जानता था कि यूरोप क्या चाहता है, और नहर सुएज पे कब्जे का मतलब ये था कि मुसलमानों की माशी शहरक कट जाती जी। तो मेरे बचपने में वालिद मोहतरम की कोशिशों से एक शौक पैदा हुआ मुताले का, तहकीक का, हालात के सही तौर पे अंदाजा करने का, और उसने मेरे मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा मुआमिनत की जी। माशाल्लाह। यानी यहाँ वालदेन का किरदार बड़ा वाज़े बहुत ज्यादा है। मैं कुछ भी ना होता जी अगर मेरे वालिद की दुआएं और उनकी ये कोशिश शामिल हाल ना होती जी। एक ऐसा गांव जहां ना कोई रेडियो है था, एक था बताया मैंने बताया, ना जहां अखबार आते थे ना कोई लाइब्रेरी थी, वहां इस तरह का मवाद फराहम करना यकीनन ये उनकी दूरंदेशी थी। और फिर बिला रोक टोक के इजाजत देना कि पढ़ो जो कुछ पढ़ना है तुम्हें, अपने शौक से, अपनी कोशिश से। हमने अक्सर आपकी तकरीरों में, बयानात में ये सुना है कि अंधेरों की शिकायत करने से अंधेरा दूर नहीं होता, अपने हिस्से का चराग जला लो, कुछ तो उजाला होगा। तो ये बिल्कुल यहाँ वाजे बात समझ में आ रही कि जो वसाइल, भले वो थोड़े से रसाइल ही क्यों ना हो, वो अवेलेबल चीजें थी और आपके सामने उन्होंने पेश कर दी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। शिकवाए जुल्मते शब से तो यही बेहतर था जी, अपने हिस्से का कि कोई शम्मा जलाते जाते। सुभानअल्लाह। मैं आज अगर इतने मुसलमान जो दुनिया में हैं, अगर अपने जिम्मे का काम करें दुनिया उजालों से भर जाएगी जी जी जी। मगर हम हालात के का शिकवा तो करते हैं मगर अपने हिस्से का काम नहीं करते जी जी। मेरे स्कूल में आप तशरीफ लाए थे जब मैं नया नया प्रिंसिपल बना था, तो आपकी दुआएं लेने के लिए मैंने आपको मदद किया था, अपने स्टाफ से हमने इंटरेक्शन किया था। एक मौलाना थे वहाँ, मौलाना रहमतुल्लाह मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, तो आप जानते थे, पहचानते थे भी उनको। तो आपने उनसे पूछा था कि मौलाना यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा हजरत क्या करूँ, कोई सिलेबस ही नहीं है।
तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने फरमाया था कि मौलाना ये शिकायत करने से बेहतर आप जो 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं रोज एक सफा भी लिखते तो दर्जनों किताबें हो जाती। तो ये बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए कि शिकायतें ना करें बल्कि कुछ काम करें। उसके बाद फिर तालीमी सिलसिला कैसे शुरू हुआ आगे? जी मैं कहा कि मेरी इब्तदाई तालीम तो घर पे हुई जी, कुछ वालिद साहब से और कुछ दादा मरहूम से जी। दादा साहब ने बकरियां पाल रखी थी। अच्छा, ये सुन ठेले पर हम लोग और वो हम चलाते थे, वो दौड़ तो नहीं थे, बूढ़े बुजुर्ग थे वो, तो बकरियों को संभालने में खासी जहमत करनी पड़ती थी और सब्र भी जी। वो कहा करते थे, निका जुमला है, गम न दारी बुज बकर जी, अगर गम न हो तो बकरियां खरीद लो। और ये भी कहते थे बकरियां चराना अंबिया की सुन्नत है जी। अच्छा, वो फारसी में ही ये बात कहते थे जी। हाँ अच्छा, अच्छा नहीं वो जुमला तो फारसी करनी बातें उर्दू में उर्दू में बोलते। अंबिया की सुन्नत है जी, तमाम ही अंबिया कराम में बेशतर अंबिया के कराम के वाकयात में बकरी चराना मौजूद है जी। खुदा कायद हो जहां अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में, इसलिए कि बकरियों के चराने से सब्र भी पैदा होता है और नरम दिली पैदा होती है। माशा, और जितने भी जानवर हैं उनमें कहीं ना कहीं सींग मारने का मिजाज मौजूद होता है, लेकिन बकरी बहुत ही मुनकसिर मिजाज होती है बहुत ज्यादा, इसलिए बकरी चराने का मौका हमें मैसर आया पढ़ने जमाने में। और वहीं उन्होंने सन किताबें मुतारफ कराई, मेरी उम्र 8 साल की थी तकरीबन, तो वो किताबें करीमा बख्शाए बरहाले माँ जी के हस्तम असीर कमंदे हवा जी, वो खुद पढ़ते थे जी और हम उसको समझने की कोशिश करते थे। ऐसी बादशाह जुर्मे मारा दरगुजार जी, माँ गुनहगारे मतू आमरजगार, रो के दुआ करते थे और हम भी आमीन कहते थे। ये अशआर अब तक याद हैं जो नमाज में पढ़ा करते थे जी। तो फिर जो सिलसिला आगे बढ़ा अशरफिया की तरफ मैं अर्ज करूँ आइए के पहले मैंने जीएनपुर के मदरसे मारूम से दर्जे पंजीम पास किया जी, और 10 साल की उम्र में और फर्स्ट डिवीजन पास किया मैंने। तो वालिद मोहतरम ने यकीन नहीं किया कि मैंने फर्स्ट डिवीजन पास किया होगा, वो गए उस्ताद से पूछा। ये 1 रुपया दिया उन्होंने, सिक्का होता था ना हाँ, शादी नुमा तो गिफ्ट मिला हाँ, तो वो 1 रुपया मेरे लिए बहुत कीमती था जी। शायद मैंने पहली मरतबा 1 रुपया अपने हाथ में रखा था। वालिद साहब रहमतुल्लाह तआला ने बर्मा में पुलिस में थे, 1942 में बर्मा पर जापान ने हमला किया तो गवर्नमेंट ने ये कहा, इंग्लिश गवर्नमेंट ने, कि जितने पुलिस में हैं वो फौज में चले जाएं जंग करने के लिए। तो वालिद मोहतरम ने सोचा कि अगर ये जंग इस्लामी होती तो जान देना आसान था, लेकिन इनके लिए तो वहां से वो चले आए। आने के बाद बहुत सी माशी दुश्वारियां पेश आई, इसलिए कि जमींदारी थी वो टूट गई। जमींदारी टूटने के बाद वो खेत जो कि काश्तकारों कब्जे में थे वो हाथ से निकल गए, थोड़ा बहुत खेत रह गया था जो बटाई पर दिया जाता था और उससे बमुश्किल माशी जरूरियात पूरी होती थी। वालिद मोहतरम ने मुख्तलिफ गांव में पढ़ाना शुरू किया और मुझे अपने साथ रखते थे वो जी। खैर पंजुम पास करने के बाद मुझे मेरे वालिद ने जियनपुर में एक स्कूल था हिंदी स्कूल जी, उसमें दर्जा शश में दाखिल करवाया जी। जमींदारी टूटी थी नहीं, निचले तबके को उभारने की कोशिश की जा रही थी। मेरे नाना मुर्तजा खान मरहूम वो गए मुझे लेने के लिए, तो देखा कि कुर्सी पर वो शख्स बैठा है जो कभी मेरा काश्तकार था। अच्छा, और मैं नीचे बैठा हुआ हूँ, हिंदू था, तो वो बहुत गुस्सा हो गया, अभी नखबत थी बाकी जमींदारी की, मुझे उठा के लाए। वो खड़ा हो गया लेकिन सलाम के आम जवाब नहीं दिया और आके अब्बा को बहुत डांटा, कहाँ भेज दिया मेरे बेटे को हिंदी पढ़ने के लिए, और वो भी हरिजन है जो पढ़ा रहा है इनको जी। उसके बाद मुझे मारूलू में दाखिल किया गया दोबारा, यानी ये टर्निंग पॉइंट है
अगर ऐसा ना होता तो आप स्कूल में ही आगे स्कूल में जाता, फिर हाई स्कूल करता, फिर और दूसरी तालीमात हासिल करता। तो फिर तमरुज जमा कैसे मिलते? तो नाना का ये अमल मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए रोजे अव्वल से मेरे इल्म में तबकाती तकसीम जो है मेरे जहन में कभी अच्छी नहीं रही। जी जी जी। लेकिन उस इस वाकये ने मेरा रुख बदल दिया। अनवारुल उलूम में दाखिल हुआ तो वहां मुख्तलिफ असाज़ाए एक बाद दिगरे आते रहे। तो ये भी खालिसपुर में ही था? नहीं है, खालिसपुर मजीनपुर जी कस्बा है, वहां है। अच्छा, अभी है वो जी। उसने पहले मुझे पढ़ाया मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जहांगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जी, जो बाद में बरेली गए और ताजुश शरिया के उस्ताद हुए। सुभान अल्लाह। तो मैं उससे पहले का शागिर्द हूं। सुभान अल्लाह। मगर फारसी की इब्तदाई पहली और दूसरी और गालिबन गुलज़ार दबिस्तान जी उन्होंने पढ़ाई। उसके बाद वो तशरीफ ले गए तो एक दूसरे उस्ताद तशरीफ लाए, जनाब मौलाना अमीर हमजा साहब जी। उन्होंने नहर सब की इब्तदाई किताबें पढ़ाने की कोशिश की। फिर वो तशरीफ ले गए तो एक तीसरे उस्ताद तशरीफ लाए, मौलाना मोहम्मद लुकमान साहब बनारस से। उन्होंने फिर इब्तदाई किताबें पढ़ाई दुरुसुल अदब और फिर वो तशरीफ ले गए तो मौलाना जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह जी, जिनका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए कि उन्होंने मेरी जहनी तरबियत में बहुत ज्यादा नुमाया किरदार अदा किया, वो तशरीफ लाए। और अब मेरी उम्र 12 साल हो गई तकरीबन। अनवारुल उलूम उसी साल बोर्ड से मुल्हक हुआ था जी, इलाहाबाद अरबिक और पर्शियन बोर्ड से जी। और जरूरी था कि बोर्ड के इम्तिहान के लिए तलबा को बैठाया जाए और मेरी उम्र 12 साल थी तो मुझे तैयार किया गया। मुझे और दो साथी और थे, शमसुद्दीन भाई और डॉक्टर नकी खान साहब के थे ताज मोहम्मद, इन तीनों को तैयार किया गया इम्तिहान बैठने के लिए। अब जाहिर किताबें उसमें बहुत अहम थी और मेरी मालूमात मेरी इब्तदाई किताबें सिर्फ फारसी और इब्तदाई नहव सर्फ तक थी। उसमें तफसीर में भी किताबें दाखिल थी और इसी तरीके से हदीस में मोतामा मोहम्मद थी, तारीख में दुरुस्त तारीख इस्लामी थी और मंतिक और फलसफे किताबें शामिल थी जी। इन्हें पढ़ करके इम्तिहान देना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने नोट्स तैयार कराए तारीख के भी, मंतिक के भी, फलसफे के भी, और उठाया उसे जी जी एक साल तक जी। और उन्हें यकीन हो गया कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। उसके साथ साथ अरबी जुबान पर जोर दिया उन्होंने जी। तो अरबी जुबान पढ़ने से यह हुआ कि जहां तर्जमे की जरूरत होती थी वहां तर्जमा खुद ही करने लगा। और उसके बाद अंदाजा हुआ कि अगर इंसान अरबी जुबान पर जोर दे दिए तो बहुत आसानी के साथ कुरान हदीस को समझ सकता है, समझ सकता है। तो नतीजा ये हो कि मैंने इम्तिहान दिया। तो मैं जब गया इम्तिहान दें इलाहाबाद अरबी कॉर्पोरेशन बोर्ड में तो लोग समझते शायद ये भर चुका है, इसको लाया गया ताकि ये बचा जा सके। बनारस के उस्ताद ने मुझे पूछा कि कुछ लिखते भी हो? मैंने कहा जी हाँ लिखता हूँ। कहा जमाने की तारीफ करो जी। मैंने तारीफ किया, बहुत खुश हुए। और तुम्हारे उस्ताद, मैंने मौलाना का तारुफ कराया तो उन्होंने कहा मिले और बहुत तारीफ की। खैर इम्तिहान देता रहा, आखिरी पेपर था तारीख का कि रोशनाई गिर गई। अल्लाह। उस जमाने दावत रखते थे, कलम कलम जी। रोशनाई गिर गई आधा मेरे कपड़े पे, आधी पेपर पे, दो तीन पेज खराब हो गए। अल्लाह। मैं रोने लगा, 12 साल की उम्री क्या होती जी। जोर जोर से, जोर जोर से। जो निगरा था जी वो हिंदू था, हाँ। टीचर, हेड टीचर था वहां का जी। वो आया, उसने कहा कि क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मैं फेल हो गया, काफी इम्तिहान हुआ नहीं। फेल कैसे हो गए? अगर देखिए मेरा कोट और ये पर्चे। तो कहा कि बेटा ऐसा है कि मैंने तुम्हें 7 रोज से देखा है, कभी तुमने नकल नहीं की, अपना काम खुद करते हो। मैं इम्तिहान के टाइम के बाद आधा घंटा तुम्हें और देता हूँ, मैं खड़ा रहूंगा, तुम देखो। अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। चुनाचे मैंने लिखा और अल्लाह में पास हो गया। उस पास होने की मदद से मैं शफिया में दाखिल किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं 12 साल का था उस वक्त। तो एक तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट, इब्तदाई 2-3 साल जो है मेरे जी कम हो गए। यानी अब ये था कि अशरफिया में जाने के बाद जो किताबें थी, शरह जामी वाली जमात में दाखिल हुआ जी, और मुश्किल जमात जी मेरे लिए था, मगर
बेपना एहसान है हुजूर नायब शेख उल हदीस हजरत अल्लामा अब्दुल रऊफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का, उनकी तफहीम ऐसी थी जी कि बोधा से बोधा आदमी भी समझ जाता सुना से मैंने इम्तिहान दिए और 85 नंबर हासिल किए, जबकि इतने नंबर कम उन्होंने हासिल किए थे सालाना इम्तिहान। उसके बाद फिर उससे दूसरी जमात फिर तीसरी जमात में मैं रहा। मेरे असाज़ा ने हुजूर हाफिज मिल्लत अली रहमा, हुजूर नायब शेख उल हदीस मौलाना अब्दुल रऊफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मुस्लिम मनान साहब, अल्लामा क़ारी हया साहब और अल्लामा सैयद हामिद अशरफ साहब कोई। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा आपके उस्ताद हैं। जी हाँ माशाल्लाह, और बहुत अच्छे उस्ताद। एक मरतबा मैंने कोई गलती की तो डांटा उन्होंने जी, तो इस तरह इतने हसीन अंदाज से डांटा उन्होंने कि जी ज्यादा कोई गलती कर फिर मैं गलती करूँ फिर डांटे मुझे मियाँ कहा होगा। हाँ उनका बड़ा प्यारा अंदाज था, वो मियाँ कह के मुखातब करते थे माशाल्लाह। फिर उस आपकी जब तालीम की तकमील हो गई तो नहीं तकमील तो नहीं हुई जी, अभी बहुत मराहिल बाकी हैं। हाँ, वो एकेडमिकली कह रहा हूँ, खैर इंसान तो तालिब इल्म ही होता है और ये भी आपकी आजिजी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको इस तरह से मुंतसिर मिजाज बनाए, हमें सीखने की तौफीक अता करे। तो फिर उसके बाद ये जो मदारिस के क्याम का सिलसिला, मसाजिद के क्याम का सिलसिला, ये किस तरीके से आगे बढ़ा? हाँ 1963 माफ कीजिएगा, मैंने नदवा से आलमियत किया। अच्छा, और वहां से वापस आया तो सैयदी मुफ्ती आजम हिंद सगड़ी गांव वहां तशरीफ लाए हुए थे जी, मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया तो वहां से मौलाना जबली साहब जी मुफ्ती नान पारा जी तशरीफ लाए थे जी, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे वाले से कहा कि इनको मेरे यहाँ अजीज़ुल्लूम में भेज दिए नान पारा जी पढ़ाने के लिए। उनका ही मामला वही था कि एडिट कराया था उन्होंने, अच्छा, और तैयारी करवानी थी, मेरा तजर्बा अपना हो चुका था जी। खैर मैं गया, 6 महीने वहां रहा और मैंने वही तरीका अख्तियार किया, बच्चों को नोट्स तैयार कराना, उनको रटाना ताकि इम्तिहान दे सकें। इम्तिहान देने के लिए हम लोग लखनऊ गए, बोर्ड लखनऊ था सेंटर, तो शाम को तशरीफ लाया, मौलाना फरमाया कि नहीं इम्तिहान बच्चे नहीं देंगे। मैंने कहा हुजूर क्यों? कहा कि मुफ्ती कानपुर मिले थे और कह रहे थे आपने क्यों ये एडिट करा लिया ये, तो मैंने कहा तुमने बड़ी मेहनत की है, इम्तिहान देने दिए बाद में तोड़ दिए थे, लाख कोई लाजमी तो नहीं है ना। हजरत बहुत ही अजीम आदमी थे, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार, कहा नहीं इम्तिहान नहीं दिया गया। दिल शिकस्ता हुआ और मैं शाम को काजी में अब्दुल्ला ले के मज़ार पर हाजिर हुआ, कहा हुजूर अगर मेरा यहाँ रहना मेरे लिए और दीन के लिए मुफीद हो तो मुझे रहने दिए वरना मुझे निकाली यहाँ से जी। रमजान आ गया और मैं घर गया, हुजूर आपसे मिले तो मुझे बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक नई जमीन मुंतखब की है, तुमने नदवे में तालीम हासिल की है, तुम उन लोगों से वाकिफ हो, ये फैजाबाद से लेकर के और लखनऊ तक का सारा इलाका नदवियों का है, तुम्हें वहां एक इदारा कायम करना है, तुम्हें मैं किसी ऐसे इदारे में भेज सकता हूं जहां तुम किताबें पढ़ाओ लेकिन अपने हाथ का पका हुआ ज्यादा लजीज होता है। सुभान अल्लाह, तुम वहां जाओ, यही जुमला बाज़ाब्ता उन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा, मदरसा कायम करो वहां जी। उन्होंने खत लिख दिया मुझे और मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे क्लास फेलो थे, वो जामा मस्जिद टारशाह जो फैजाबाद की मरकजी मस्जिद है उसके इमाम थे, खत उनके नाम लिख के दिया कि इनको लेकर के रौना ही जाओ और लोगों से मुतारफ करो कि पढ़ाने के लिए आए हैं। अच्छा, वो मुझे साइकिल बैठाल के ले गए। अच्छा, 16-17 मील है, देखिए सफर यूं भी होता है। हाँ, साइकिल पर तो वहां गए और इस्तफा से चौराहे पर भीड़ थी गांव के लोगों की, शायद कोई कुआं और बनाया था उन्होंने, मुडेर बड़ में खड़े थे लोग, तो उन्होंने साहब बुला कहा कि यहाँ पढ़ाने आए, वो हाजी इल्तिफात साहब थे, खान साहब थे,
तो मुझसे तो कुछ नहीं कहा, उनको ले गए दूर, ये पढ़ाने आया है या खेलेगा बच्चों के साथ। अल्लाह, मेरी उम्र 18 साल थी याद रखिए। अच्छा, 18 साल की उम्र। 18 साल, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप दी थी। कहा ये पढ़ने आए खेलेगा बच्चों के साथ, हमने आलिम तलब किया था, तो कहा कि ये मेरे क्लास फेलो हैं, अब कैसे यकीन करें, आपकी इतनी दाढ़ी है, वो तो अभी मसें भीग रही होंगी। तो कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बहुत बासलाहियत थे, हाफिज मिल्लत इंतखाब के, उन पर तो आपको यकीन है ना। खैर, बादले ना खास से मुझे गांव में दाखिला मिला। इत्तफाक से रात को जलसा मिला शरीफ था, वहां मेरी तकरीर हुई, भरम रह गया, सुभानअल्लाह, वो समझ गया कहीं कोई पढ़ा लिखा है। उसके बाद डॉक्टर महफूजुर रहमान साहब का मतलब था, उसके ऊपर एक कमरा था, वहां मुझे रहने के लिए दिया गया। और सुबह को, दूसरी सुबह को, 5 बच्चों को दिया गया, इन्हें पढ़ाइए आप। सिर्फ 5 बच्चे। अच्छा। और वो एक दर्द के नीचे मौजूद है, बच्चों ने देखा है, अल्लाह, वहां बैठ के पढ़ाए। खैर, मैंने पढ़ाया। फिर शाम को डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब मैं ये तो नहीं कर सकता, यहां मुझे इदारा कायम करने के लिए भेजा गया है, इसलिए बराहे करम आप कुछ मजीद कीजिए। अब क्या चाहते हैं? मैंने कहा ऐसा कि मीटिंग कीजिए गांव वालों की, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने मीटिंग की, 20 आदमी आए, और मैंने उनसे कहा कि देखिए यहां एक इदारा कायम होना, मुझे हाफिज मिल्लत ने भेजा है, मकसद यही है, आप लोग मेरा ये तआवुन करें, कल आपके हों तो 2-2 बच्चे, और ना हो तो महल्ले से जी हर आदमी 2 बच्चों को लेके आएगा जी।